पिछले दो महीनों से लगातार खबरों में बना हुआ है और जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, उनके सम्मान का सौदा करने का काम जो ममता बनर्जी ने किया है, उससे पीड़ित होके हमारे सामने आज ये दो सांसद पार्टी की सदस्यता लेने के लिए यहां आए। इतना ही नहीं, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है और खास तौर से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के जो निकटतम लोग हैं वो भी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसके कई मंत्री आज भ्रष्टाचार के लिए जेल में हैं। ममता बनर्जी के खुद के सगे संबंधी तमाम मामलों में इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। जिस प्रकार का लॉलेसनेस पश्चिम बंगाल में देखा जाता है वो शायद ही किसी अन्य प्रदेश में देश में देखा गया। हम सब ने 2021 के विधानसभा के चुनाव के बाद हुई हिंसा, बलात्कार और ऐसे अन्य जघन्य अपराधों की जो घटनाएं थी वो देखी, वो सुनी। उनमें से कई मामले ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास है और इन सभी मामलों की जवाबदेही सीधा और सीधा ममता बनर्जी पर बनती है। पश्चिम बंगाल आज परिवर्तन के लिए आतुर है और उसी श्रृंखला में बहुत सारे पश्चिम बंगाल के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो लोग पश्चिम बंगाल को नई दिशा दे सकते हैं, जो लोग पश्चिम बंगाल को नए सिरे से बना सकते हैं, सवार सकते हैं, उन सबको भारतीय जनता पार्टी में हम लेने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि अच्छे लोग ही अच्छी राजनीति दे सकते हैं। मैं पुनः अर्जुन सिंह जी और दिव्येंदु अधिकारी जी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ ये सफर पश्चिम बंगाल को नई दिशा देने का सफर होगा। मैं दिव्येंदु अधिकारी जी से आग्रह करूंगा कि आप कुछ शब्द कहें और फिर अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। नमस्कार। बंगाली? ओके ओके ओके। आज 15 तारीख है मार्च महीना का। आज मेरा लिए एक बहुत शुभ दिन है कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी की परिवार के साथ जुड़ चुका हूं। दुष्यंत जी, क्रिस कुमार जी, अमित मालवीय जी, संजय जी, साथी मेरा अर्जुन सिंह जी, जिसका साथ मैं लोकसभा में काम कर चुका हूं, आज देश की प्रधानमंत्री, हमारी नेता, सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। आप लोग, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी के प्रति मैं आभारी हूं, हमारा गृहमंत्री जी अमित शाह जी के प्रति मैं आभारी हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं बंगाल भाजपा की अध्यक्ष डॉक्टर सुकांत मजुमदार जी का,
जिसका नेतृत्व में बंगाल में भाजपा आगे बढ़ रहा है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बंगाल विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष श्री शुभेंदु अधिकारी जी, वो भी संघर्ष विधानसभा का अंदर और बाहर भी कर रहा है। मैं ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा क्योंकि अर्जुन सिंह जी बुजुर्ग आदमी है, सीनियर लीडर है, मेरा से तो बड़ा है, स्वाभाविक कारण में अर्जुन सिंह जी ज्यादा बोलेंगे। तो हमारा लक्ष्य यही होगा, मालवीय जी ऑलरेडी बोल चुके हैं, संदेश खाली, हम लोग बंगला बंगाली, हम लोग माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, माँ सरस्वती का पूजा करते हैं। संदेश काली में जो हुआ है, विशेष खास करके महिला का प्रति जिसका निंदा करने का भाषा नहीं है, सारा ये संदेश खाली अभी बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये संदेश खाली का मुद्दा सारा देश का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जिसका जैसे पीड़ित आदमी लोगों के पास पहुंचा, पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पहुंच पाया, भारतीय जनता पार्टी ने पहुंच चुका। और बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री एक महिला के नाते जिसका पास से आदमी लोगों को बहुत प्रत्याशा था, मैं 2009 से 2011 तक लेफ्ट पार्टी को भी देखा था राज्य विधानसभा में, 2011 से भी विधायक था। आज ममता बनर्जी के पास से जो महिलाओं के लिए सिर्फ 500 रुपया 1000 रुपया लक्ष्मी में एक भंडार ऐसा देकर के महिला का सम्मान नहीं होता है, जो सम्मान महिला लोग को मिलना चाहिए था वो बंगाल में आज नहीं है। रूल ऑफ लॉ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार भू आदेश दिया है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोला है, SC ST कमीशन बोला है, वुमेन कमीशन बोला है। सबसे और ज्यादा बात नहीं, आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम होगा एक भाजपा का कार्यकर्ता का नाते जमीन में रह के पार्टी को आगे ले जाने के लिए मोदी जी को 400 इस बार 400 पार करने के लिए जो भी कोशिश उठाना का जरूरत पड़ेगा, एक छोटा कार्यकर्ता का नाते मैं वही काम करूंगा। और ज्यादा नहीं बोलने का है, सबको धन्यवाद आप लोगों को। मेरा निवेदन माननीय अर्जुन सिंह जी से है, आप तो शब्द रखें, माननीय सांसद अर्जुन सिंह जी। धन्यवाद। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री दुष्यंत गौतम जी का आभार प्रकट करता हूं, कृष्ण कुमार जी का आभार प्रकट करता हूं, अमित मालवीय जी का आभार प्रकट करता हूं, हमारे संजय मयूक जी हमारे भाई उनका भी आभार प्रकट करता हूं, हमारे साथ दिवेंदु हमारे छोटे भाई हैं, वो और मैं आज दोनों आदमी भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के को अभिनंदन है मेरा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पूरे दुनिया में जो एक बलिष्ठ नेतृत्व जो सामने आया, हमारे अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश को मजबूत बनाने के लिए जो कार्य है, सभी कार्यों को सामने रखते हुए उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्टफुल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई, उस पोस्टफुल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा, सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं न कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के परिवार को, जो नेतृत्व है, उनको मैं अभिनंदन करता हूं कि मैं जो थोड़े समय के लिए मैं सक्रियता मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थी, उसके बावजूद भी मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है, हमारे लिए हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं, अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा, जहां प्रशासन और गुंडे एक साथ मिलकर अपराध को अंजाम देते हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरे दुनिया के लोगों ने संदेश खाली की घटनाओं को देखा, वहां के हमारे कार्यकर्ता, हमारी माताएं बहनों ने जिस तरह से प्रतिवाद किया, वहां के साधारण लोगों ने जब प्रतिवाद किया, उसी के कारण पूरी दुनिया जानी। और सबसे बड़ा और एक कारण, बंगाल के हमारे जो मतुआ भाई हैं, हमारे जो नमोसुद्रो भाई हैं, जिनको सीए का जो कानून लागू हो गया, उससे पूरे क्षेत्र में एक उनको रिकॉग्नाइज हुआ कि नहीं, वो आज रिफ्यूजी नहीं है। इन तमाम बातों को
हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बदौलत ये संभव हुआ है, जिसका प्रतिवाद आप जानते हैं वहां की सरकार वहां के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर करती हैं, उनको बरगलाया जाता है, उनको झूठ कहा जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए जब हम लोगों ने महसूस किया कि इस शासन को अंत होने में एकमात्र एक ही नेतृत्व सफल हुए जो है नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मैं फिर से शामिल हुआ और आभार व्यक्त करता हूं हमारे तमाम नेताओं को जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के साथ मिलकर बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है, उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद।